हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज तक आपने क्या फॉर लूप का यूज वीबीए कोडिंग की मदद से एक्सेल में देखा है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल का जो भी वर्जन आपके पास है उसको चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं, और ओपन कर लेने के बाद एक ब्लैंक शीट ले लीजिएगा और इस पर क्या कोडिंग करनी है, कैसे क्या होगा वो बताने जा रहा हूं। तो अल्ट के साथ F11 फंक्शन की F11 प्रेस कीजिएगा अल्ट के साथ, फिर यहां से जाइएगा इंसर्ट पर, देन आ जाइएगा मॉड्यूल पर। अब मॉड्यूल पर जैसे ही आप आते हैं तो यहां पर आपको लिखना है सब, हर बार लिखा ही जाता है, और यहां पर जो कि लूप लगाना है तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर लूप एग्जांपल, इसको नाम मैं दे देता हूं फॉर लूप एग्जांपल, ठीक है। और ये मैंने नाम दे दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, क्योंकि हम बनाएंगे फंक्शन। तो यहां पर जो है फंक्शन के लिए मैंने क्या किया है, यहां पर ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर लिया। और मैं क्या करता हूं ना, ये एफ फॉर का एफ कैपिटल रखता हूं, एग्जांपल का ई भी कैपिटल रख लेता हूं, और लूप का एल भी कैपिटल रख लेता हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इसका यूज करेंगे तो हमें भी ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद एंटर करते हैं, और यहां पे डिम जो लिखा जाता है बीबीए कोड में वो लिख लेते हैं आई एज इंटीजर। तो यहां पर आई नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसका डेटा टाइप क्या, यही 7-8 लाइन का कोड है, तो इसको लिख लीजिएगा। मैंने बाकी की चीजें स्किप करी हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। तो ये आप कोड जरूर लिख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें आई रखना है तो 1 की जगह आई रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कर लीजिएगा नेक्स्ट आई, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट करके चलते हैं ना, तो ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से चलाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल आ रहा है 55, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 55 आ रहा है, और इनिशियलाइज किया है 0, और फिर ये बढ़ेगा तो 0 बन जाएगा 1, और 1 बन जाएगा 2, तो 1 में 2, फिर 2 में 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरीके से ऐड होते होते हमें क्या मिलेगा, 55 मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे ये 55 मिलेगा। तो यहां पर एक्सेल पे वापस आ जाते हैं, वीबीए प्रोग्रामिंग वाले कोड पे थे हम। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, 1 आएगा, तो 1 में क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 2 में 3 ऐड होगा, 3 में 4 ऐड होगा, 4 में 5 ऐड होगा, 5 में 6 ऐड होगा, 6 में 7 ऐड होगा, 7 में 8 ऐड होगा, 8 में 9 ऐड होगा, और 9 में 10 ऐड होगा। तो ये जब हम एंटर करेंगे ना तो 55 ही मिलेगा। देखिए 55 मिल रहा है ना, तो बिल्कुल यही काम बीबीए वाले पोर्ट पे भी होता चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं तो फिर देखिए यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ, अगर मैं 5 ही कर दूंगा, देखिए ये 5 कर दूंगा तब क्या होगा, तो 5 करने पर यह होगा कि यहाँ पर 5 तक ही ऐड करेगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 5 होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 1 में 2 ऐड होगा, 2 में 3 ऐड होगा, 3 में 4 ऐड होगा, और 4 में 5 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 15। तो एक बार चला के देखते हैं 15 आ रहा है या नहीं, क्या पता गलत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चलाते हैं तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट बिल्कुल वही है, 15 आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर लूप का यूज करेंगे, और आगे भी आने वाले वीडियोज में फॉर लूप के बारे में बताता रहूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।